चार रीजंस की वजह से लड़कियां हमारे साथ नहीं रहती या आपका रिलेशनशिप ज्यादा देर तक नहीं टिकता। लड़कियों को ये क्वालिटीज लड़कों में बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसी वजह से वो तुमसे ब्रेकअप कर लेती है या फिर तुम्हारे साथ ज्यादा लंबा रिलेशनशिप नहीं रखती। रिलेशनशिप में आना इजी है, प्रॉमिस करना इजी है, बट इसे निभाना उतना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी करते हैं। जैसे ही आपको कोई लड़की पसंद आती है, आप उसके प्यार में पड़ जाते हो और आप चाहते हो कि मैं इसे जल्दी से अप्रोच कर लूँ, ये किसी तरह मुझसे सेट हो जाए, मुझसे पट जाए, लेकिन आप उसके बारे में कोई चीज़ें ही नहीं जानते। उसे जल्दी में पटाने के चक्कर में आप बहुत सारी गलतियां कर देते हो, यही गलतियां फ्यूचर में आपको भारी पड़ती हैं और रिलेशनशिप टूटता है, ब्रेकअप्स होते हैं। तो मिस्टेक नंबर वन है फेक प्रोमिसेस। देखो, रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में, जल्दी से लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में तुम उसे बहुत सारे प्रॉमिस ऐसे करती हो जिसे तुम कभी निभा ही नहीं पाओगे। नंबर वन होता है जिसमें शादी करना। देखो, शादी करने के लिए तुम उसे प्रॉमिस तो कर देते हो कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, हमारी फ्यूचर प्लानिंग ऐसे है, फिर हम सेटल होंगे और शादी होंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो चीज़ें दिखती नहीं है, तुम इरिस्पॉन्सिबल दिखने लगते हो या फिर वो तुमसे उम्मीद लगाती है कि तुम शादी की बात करोगे और तुम नहीं करते, इस वजह से फिर वो तुमसे दूरी बनाना शुरू कर देती है। अपने स्टेटस को बहुत ज्यादा हाईफाई दिखाने के चक्कर में झूठ बोलना। देखो, तुम्हारे पास जो है वो चीज दिखाओ, लेकिन इतना भी फेक मत दिखाओ कि मतलब कि वो विश्वास कर ले, उसके बाद तुमसे जब वो चीज़ मांगे या उस चीज़ों के बातें करे तो तुम झूठे साबित हो जाओ उसके सामने। ये बहुत बड़ी गलती है जो बॉयज करते हैं। रीजन नंबर टू है प्रायोरिटी ना देना। देखो, रिलेशनशिप मतलब बैलेंस। अगर तुम्हारे में बैलेंस करने की कैपेसिटी नहीं है, तुम बैलेंस नहीं कर पाते अपने शेड्यूल को और अपनी पर्सनल लाइफ को, यानी कि आपके का बिजी शेड्यूल है उसमें तुम अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी पार्टनर को कम समय दे रहे हो, तो उसे फील होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में उसकी इम्पोर्टेंस बहुत घटती जा रही है, या फिर पहले तुम उसे जितना टाइम देते थे अब नहीं दे रहे, तुम उसे प्यार नहीं करते। इससे क्रिएट होता है मिसअंडरस्टैंडिंग कि तुम शायद कहीं और अपना टाइम दे रहे हो या फिर तुमने उससे झूठ बोला, वो तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है। तो ये सारी चीजें रीजन होती हैं कि वो तुमसे ब्रेकअप कर लेती है। रीजन नंबर थ्री, ट्रस्ट इशू। देखो, ट्रस्ट इशू ना सबसे बड़ी इशू है किसी के ब्रेकअप होने के। आजकल ना एक दूसरे से लॉयल्टी और ट्रस्ट एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है, और इसके रीजंस होते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा दिखाते हो कि तुम अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं करते या फिर तुम झूठ बोलते हो। अपने साथ साथ ही आप अपने दोस्तों में वो सारी चीज़ें शेयर करते हो जो नहीं करनी चाहिए, जो प्राइवेसी मांगती है उन चीज़ों पे आप पब्लिकली सबको बताते हो, और ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रस्ट को तोड़ती हैं। तो देखो, ये सारी चीज़ें करना बंद कीजिए। अपनी बातें जो हैं, अपनी पर्सनल बातें अपनी क्लोज फ्रेंड से भी शेयर ना करें, इससे ट्रस्ट ब्रेक होता है। रीज़न नंबर फोर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इरिस्पॉन्सिबल होना। देखो, हर रिलेशनशिप के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेकिन अक्सर लोगों को लगता है कि बीएफ जीएफ का रिलेशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो इसके साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए आपको एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मेरे उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको पूरा भी करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक कि तुम एक दूसरे को समझते हो, उसकी हर कंडीशन में उसका सपोर्ट करना, उसकी बातें सुनना, एक दूसरे की बातें शेयर करना, लाइक अपने करियर के बारे में आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इस चीज़ की एडवाइस देना और लेना, ये सारी चीज़ें होती हैं आपके बीच एक ट्रस्ट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच्योरिटी की जो फीलिंग्स है वो एहसास करवाती है आपके पार्टनर को कि देखो, ये बंदा सचमुच मुझसे प्यार करता है, क्या फिर रिस्पॉन्सिबल है। तो होप्स हो कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत काम की लगी होगी, और आपकी लाइफ में ब्रेकअप्स अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सारे रीजन्स उनमें से है। आपकी कितनी बार ब्रेकअप्स हो चुके हैं या फिर आप कोई रिलेशनशिप में हो, प्लीज़ कमेंट में उसका नाम ज़रूर रखना जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और क्या आपका ब्रेकअप हुआ है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।